हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रितेश, सीओसी गेमर। तो आज हम लोग करने वाले इनविजिबिलिटी स्पेल अनलॉक। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, और आज लाइक गेम रखता हूं मैं 20 का, तो ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट कर देना। अगर 20 कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद भी करते रहना। तो चलिए, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बाजू वाला बेल आइकन दबा देना। बहुत क्लोज है 500 सब्सक्राइबर के, देखते मन के एंड में कर लेंगे, और लाइव स्ट्रीम तो कर ही रहे, तो कर देना। अभी ये वीडियो में मैं आपको इनविजिबिलिटी स्पेल अनलॉक करके उसकी स्ट्रैटेजी भी बताऊंगा कि कैसे वर्क करता है। और जो न्यू सीज मशीन है अपनी, लॉग लॉन्चर, वो भी परसों तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी क्लैन वॉर लीग चल रही, वो एंड होने के बाद मेडल्स मिलेंगे, उसके ऊपर भी स्ट्रैटेजी मैं ज़रूर लाऊंगा। तो चलिए अनलॉक करते इनविजिबिलिटी स्पेल। 7 डेज लेगा, 1 2 3 बूम। तो चलिए भाई साहब, एक्सपी भी हो गई हमारी, तो अभी हटा देते हैं और इनविजिबिलिटी स्पेल यहाँ रख के, और 2। तो मेरे ये कुछ कॉम्बो है इनविजिबिलिटी स्पेल के साथ, और सीसी मैंने लिया है सुपर विजार्ड। ये कॉम्बिनेशन भी कतई जहर है, टर्न ऑनलाइन पे भी लाऊंगा, आपको पता ही होगा आपने यूज़ किया होगा। तो अभी मैं काम करता हूँ, लैब में कुछ अपग्रेड आया होगा इसका, तो देख लेते हैं। चलो आ चुका है। वैसे तो रुक जाओ, मेरे पास हीरो पावर पोशन था तो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो कितने का हुआ है, लेवल 2 का हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो मैं काम करता हूँ, आर्मी आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की, तो मैं एक अच्छा सा विजिट कराता हूँ। चलिए बेस मिल चुका है, इसी पर अटैक करते हैं। मैं थोड़ा चेंज किया कि बैटल बिल्म लिया हूँ। तो फर्स्ट अटैक कर रहे इनविजिबिलिटी स्पेल से, देखते क्या होता है। तो फर्स्ट लून यहाँ पे, और पीछे से ब्लिम छोड़ देंगे, और सीसी में अपने सुपर विजार्ड है, देखते क्या करते हैं। और ब्लिम पा रहा है हमारा यहाँ पे, ओवरऑल अच्छा होना चाहिए अटैक, और कुछ इनविजिबिलिटी स्पेल, और सुपर विजार्ड का डैमेज तो भाई साहब एक नंबर चल रहा है। ईगल बच गई, चलो ईगल निकल गई, ओवरऑल अटैक सही गया है। अगर वो इन्फर्नो मिल जाता तो और वैल्यू निकल जाती। तो अभी तो फर्स्ट अटैक किया, जैसे जैसे करते जाएंगे हो जाएगा। और थोड़ा मेरी स्पेल भी रॉन्ग हो गई है ना, मतलब जब मैंने छोड़ा था अपना इनविजिबिलिटी स्पेल तभी थोड़ा डैमेज तो भी कम होगा। ये तो निकल गई ईगल की डिफेंस इसकी, प्लेस की देखते हैं, और मैं प्रैक्टिस करूँगा इसके ऊपर, और अभी कुछ टेंशन नहीं है वॉर्डन एबिलिटी का। तो और यहाँ पर एक झुंड है मेन, और अभी लास्ट बच्चा है हमारे पास, वॉर्डन एबिलिटी दे देंगे, किंग की एबिलिटी, और लास्ट फ्री स्पेल और एक रे स्पेल। तो जल्दी से निकल जा भाई साहब, पता नहीं क्या होगा। इन्फर्नो की हेल्थ तो 0 में बच गई, और यहाँ से क्लीन देखते हैं। लास्ट इलेक्ट्रो कुछ वैल्यू निकाल ले, निकाल भी लिया, और एक इन्फर्नो बच्चा है 0 हेल्थ में, वार्डन एक हिट देना चाहिए है ना, तभी कुछ होगा। जल्दी वार्डन, पता नहीं भाई साहब। फाइनली अभी टच दिया, चलो ओवरऑल हिटी, अब तो अटैक गया सही है। हमें देखेंगे तो नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर भी लाएंगे, न्यू अटैक स्ट्रेटेजी के ऊपर। टर्न 11 अभी भी हो सकता है, कुछ इन्फर्नो बच्चे हैं। क्वीन की हेल्थ तो ना के बराबर है, वैसे भी लो लेवल की क्वीन है। सही गया ओवरऑल अटैक है ना, 90 अब। चलो एंड बैटल करते हैं। अभी लाइव अटैक किया मैं इनविजिबिलिटी स्पेल से, आप देख ही सकते हो ये रिजल्ट निकला, ओरल स्पेल तो सही है। और नेक्स्ट हम लाएंगे न्यू सीज मशीन के ऊपर, अनलॉक करेंगे। तो बताना आज का वीडियो कैसा लगा। आज की वीडियो में इतना ही, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। ओके बाय।